मेरा रंग दे बसंग दे बसंती चोला आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामजलाल, दयाल सिंह कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल और शिक्षाविद के रूप में जो मैंने करनाल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की है या पढ़ा है, करनाल का इतिहास बहुत पुराना है। करनाल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि महाभारत का इतिहास पुराना है, क्योंकि करनाल का नाम राजा करण के नाम पर पड़ा है। राजा करण जो है उनका जन्म कुंती और सूर्य के प्रताप से हुआ था। राजा करण महाभारत के प्रसिद्ध योद्धाओं पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और वह दुर्योधन के स्थान के साथ भी उनके बहुत बेहतरीन ताल्लुकात थे, परंतु दुर्योधन में और राजा करण में मूलभूत अंतर है। राजा करण के नाम पर आज भी करनाल में दो स्मृतियां पाई जाती हैं। नंबर एक करण गेट जो सरकार जो शहर के मध्य में है, दूसरा करणताल। करणताल वो जगह है जो तालाब के रूप में करनाल से बाहर हुआ करता था शहर से थोड़ा सा, क्योंकि शहर जो है चार दीवारी इसके गेट होते थे, तथा राजा करण यहाँ स्नान करने के बाद वह ये कहा जाता है, ये किंवदंती है कि सवा मण सोना जो है वह प्रतिदिन गरीबों में बांटता था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि राजा करण जो है उसके जनता के साथ बहुत ही बेहतरीन संबंध थे, तथा राजा करण जो है वह जनता की आवाज़ को एक डेमोक्रेटिक तरीके से सुनने वाला राजा था। यही कारण है कि आज हम सौभाग्यशाली हैं एक ऐसे शहर के निवासी के रूप में जहां राजा करण जैसे महान योद्धा ही नहीं, शूरवीर ही नहीं, अपितु दानवीर भी रहे हैं। और आज भी समाज के अंदर जो दानी लोग हैं उनको ये कहा जाता है कि राजा करण के समान जो है ये दानी है। परंतु इतिहास के पन्नों में करनाल जो है उसके पश्चात कहीं गुमसा हुआ नज़र आता है। और लगभग जब हम करनाल की बात करते हैं तब यहाँ यह कहना बड़ा अनिवार्य है कि ऐतिहासिक तौर पर ये करनाल जो है इसका 6 AD के पश्चात जो है वह नाम दोबारा प्रचलित हुआ है और करनाल का स्वतंत्रता आंदोलन में भी विशेष योगदान रहा है। तो सर आप क्या अचीवमेंट देखते हैं करनाल की? आप काफी पुराने सीनियर भी हैं और प्रिंसिपल भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात समस्त हिंदुस्तान में और हरियाणा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। विभिन्न सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार थी या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने अपने दृष्टिकोणों से उन्होंने राष्ट्रीय, स्थानीय और प्रांतीय क्षेत्रों में विकास किया। जहाँ तक करनाल का संबंध है, करनाल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और विशेष तौर से जो है वह हरियाणा बनने के पश्चात और उसमें भी हरित क्रांति के पश्चात करनाल शहर और इसके सराउंडिंग जो क्षेत्र हैं उनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
बताओ सबको, ये हम लोग नहीं बताएंगे, बताएगा कौन? अम्बाड़ा से लेकर सोनीपत तक जीटी रोड पर कोई कॉलेज नहीं था और दयाल सिंह कॉलेज के ट्रस्टियों ने यह निर्णय किया कि करनाल में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की जाए। इसके पश्चात आज करनाल जो है धीरे धीरे शिक्षा का क्षेत्र बनता चला गया। आज करनाल के अंदर केवल कॉलेज ही नहीं बल्कि NDRI तथा जो अन्य रिसर्च संस्थान हैं उनकी स्थापना जो है वो हुई है। दूसरी बात जो बड़ी बेहतरीन बात जिसको मैं मानता हूँ करनाल के विकास में, वो है करनाल के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना और भविष्य में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है जब इसका संचालन चालू हो जाएगा तो ये करनाल के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आज करनाल के लोग जो हैं वह गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो दिल्ली जाते हैं या रोहतक जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी प्रारंभ होने के बाद उनको यहाँ सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है, और लोगों को काफ़ी रियायत मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो है अगर हम देखने की चेष्टा करें हरियाणा के विकास में, जब करनाल के विकास में, तो करनाल जो है जब से ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ा है, करनाल का विकास के साथ देहात का विकास भी और देहात के विकास का करनाल के शहर के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। तो मुख्यमंत्री जी ने दूसरी पारी शुरू की है और आपके यहाँ से विधायक भी है। हाँ, ये देखिए ऐसा है कि पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री के द्वारा विकास के कार्यों पर जोर दिया गया और इस समय भी करनाल की जनता ने एक MLA के रूप में उनको दोबारा निर्वाचित किया और करनाल का मैं कहूँगा कि अच्छी बात है करनाल के लिए कि वह दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। मैं एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में ये उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हमारे विधायक मनोहरलाल जी इस बात पर जोर देंगे कि करनाल का जो विकास है वह शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की तरफ जो है करनाल आगे बढ़ेगा, उद्योग के ऊपर जोर देंगे और जो अन्य समस्याएं करनाल शहर की और आसपास के लोगों की हैं, खास तौर पर वह समस्याएं जो हैं रोजगार की है, वह समस्या जो है शिक्षा की गुणवत्ता की है, स्वास्थ्य में सुधार की है, इन समस्याओं की ओर मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते हैं और ये समाधान होता है तो मैं कहूँगा कि करनाल के लिए अच्छे दिन आएंगे। लेकिन साथ में ये भी है, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि करनाल के अंदर कोई आदमी भूखा ना सोए। करनाल जो है एक ऐतिहासिक शहर है, ये महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है ये शहर, और करनाल का नाम जो करनाल पड़ा वो राजा करण के नाम से पड़ा था। राजा करण जो थे, जो महाभारत के महायोद्धा थे और पांडवों के भाई थे लेकिन कौरवों के साथी थे, उनका जो निवास राज था वो करनाल में स्थापित था, उन्हीं के नाम से ही ये करण के नाम से करनाल शहर का नाम पड़ा। और महाभारत के समय से इसकी बड़ी ख्याति रही है, बड़ी इसकी पूछ रही है, और महाराजा करण जो थे बजाते खुद बहुत दानी कहलाते थे। जैसे हमने पढ़ा है किताबों में, ग्रंथों में, तो ये बहुत दानी थे, सवा मन सोना रोज दान किया करते थे और गरीबों में इतना दान करते थे कि अगर उनको अपनी जान भी कोई मांग लेता था तो वो भी दे देते थे। महाभारत के युद्ध में उनसे उनका जो सुरक्षा कवच था वो मांग लिया था कृष्ण भगवान जी ने बहुरूपिया के रूप में, और वो भी उन्होंने दे दिया और अपनी जान गंवा बैठे महाभारत के युद्ध में।
और तो ये सारी महाभारत की धरती है, कुरुक्षेत्रा, ज्योतिसर, त्रावड़ी और ये करनाल तक का जो एरिया है महाभारत के ज़माने से महाभारत की धरती कहलाती है ये। और इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम करनाल आए पाकिस्तान से बंटवारे, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद, उस वक़्त ये बिल्कुल एक कस्बा सा था, छोटा सा, सदर था थोड़ा सा, और करनाल शहर के 9 दरवाज़े थे जो रात को 9 बजे बंद हुआ जाया करते थे, ताले लग जाया करते थे। और थोड़ी सी जो आबादी थी वो गोपीनाथ होटल जो है, यहाँ एक प्रकाश सिनेमा हुआ करता था, वहाँ तक जो था आखिरी किनारा था जहाँ तक लोग रात तक घूमते थे। उसके बाद बियाबान था, जंगल था, कोई आता जाता नहीं था, डरते थे लोग। और ये जो पार्क, करण पार्क बना हुआ है, ये एक खुला मैदान सा था, और मतलब डर लगता था उस वक़्त। 50,000 की मैक्सिमम आबादी होगी उस वक़्त जब हम पाकिस्तान से आए थे। तो ये जो करनाल है, करनाल के लोग जो हैं वो बहुत, वो भी पानी का इतना असर है कि वो भी खुद दानी बन गए हैं। जितनी दानी संस्थाएं या समाज सेवक संस्थाएं करनाल के अंदर हैं, शायद हिंदुस्तान के किसी भी शहर में होंगी। तो यहाँ सोशल संस्थाएं, मैं बता रहा हूँ सारा, इसमें इतनी समाज संस्थाएं हैं, सोशल संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रियल संस्थाएं हैं और व्यापारिक संस्थाएं हैं। आज हमारे बैठे हैं मेरे दोस्त कारला जी, ये व्यापार मंडल को लीड कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो आज जो स्थिति है करनाल की, वो एक बहुत अच्छी स्थिति है। करनाल एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान के अंदर जिसको अभी भी कैटेगराइज किया गया है, 3-स्टार स्टेटस मिला है अभी करनाल में, परसों अखबार में पढ़ रहा था। तो ये साफ़ सुथरा शहर है, पॉल्यूशन फ्री शहर है, और अब शहर से निकलकर बाहर लोग फैलने लगे हैं। मैं करनाल में जब आया था पाकिस्तान से, उस वक्त 10-10.5 साल का मेरी आयु थी, और करनाल एक छोटा सा शहर होता था, पुराने टाइप का, 8-9 गेटों से घिरा हुआ था, बाहर कुछ नहीं होता था, उसी के अंदर रहते थे। करण के नाम से राजा करण जो थे, वो उनका बसाया हुआ शहर है, राजा करण के नाम से इसका नाम करनाले पड़ा, फिर ये करनाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा करण एक बहुत दानी राजा थे, माँ भारत के एक पात्र थे, और वो सवा मन सोना रोज़ लोगों को यहाँ दान दिया करते थे, इतने दानी थे। और उन्होंने यहाँ पर एक करण ताल उनके नाम से है, करण पार्क उनके नाम से है, और ये करनाल ज़िला हेडक्वार्टर कहलाता था, और इसकी 3 तहसीलें और भी थीं, कुरुक्षेत्रा, कैथल और पानीपत, जो 35 किलोमीटर यहाँ से हटकर थी। तो बाद में कुछ अरसे बाद वो 3 तहसीलें ज़िला बन गईं और करनाल अकेला करनाल रह गया तहसील। राजा करण माँ भारत के पात्र थे, ये हमारा ऐतिहासिक पात्र रहे हैं, डॉक्टर अपना पांडवों और कौरों के साथी थे, कौरों का इनके साथ था और पांडव इनसे अलग थे, उन्हीं के ही भाई थे, और आपस में कुछ इनके उस वक्त जो कोई तकरार चलते थे, भगवान कृष्ण ने इसका फिर एक युद्ध हुआ, वो कुरुक्षेत्रा की धरती पर हुआ जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ आज भी इनकी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी विशेषता है, जैसे करनताल पार्क बनाई हुई, क्या कहेंगे? करनताल पार्क जो है यहाँ पर बना हुआ है, करनताल में उन्होंने एक धनुष से तीर चलाकर, पानी की ज़रूरत किसी ने ज़रूरत पड़ी थी, पानी नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने तीर मारकर वहाँ से ताल से पानी निकाला था और धारा फूटी थी। वो आज भी मौजूद है, लेकिन उस हालत में नहीं है जिस हालत में उन्होंने इसको तीर मार के पानी निकाला था। शहर की क्या विशेषता है? अब ये शहर बहुत चढ़िया कला पे है, बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। इसका जब ज़िला अकेला शहर करनाल से दूसरी तहसीलें अलग हुई थी, उसके बाद करनाल ने तरक्की करनी शुरू की, मगर यहाँ करनाल की तरक्की जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री पंजाब हरियाणा के बनते थे, पहले पंजाब होता था जैट, फिर हरियाणा बना तो बनते थे, वो अपने अपने शहरों से जहाँ से आते थे, भजन लाल जी ने अपने इलाके को डेवलप किया,
हुड्डा साहब ने अपने इलाके को डेवलप किया, बंसीलाल ने अपने इलाके को डेवलप किया और इसी तरह चौटाला साहब ने अपने इलाके को डेवलप किया, जिसकी वजह से करनाल पिछड़ा रहा। मगर भारत सरकार के केंद्र सरकार की ओर से इसको बहुत प्राथमिकता मिली। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े केंद्र शासित इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें एक NDRI है जो इंडिया में अकेला, एशिया में अकेला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है डेयरिंग का। इसके बाद यहाँ पर खेती के सुधार करने के लिए CSSRI, ये भी हिंदुस्तान का अकेला इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद यहाँ DWR वीट को, अनाज को ग्रोथ करने के लिए भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और उसके साथ साथ एनिमल्स को, ये चारों इंस्टीट्यूट एनिमल्स को ग्रोथ करने के लिए, उनको पालन पोषण करने के लिए NBRG के नाम से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये हिंदुस्तान के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। इस वजह से करनाल थोड़ा सा चमकता रहा, अदरवाइज हमारे पुराने नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने इसमें कोई योगदान था।
जो कोशिश की जा रही है हमारे मौजूदा जो प्राइम चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लाल जी उनके बदौलत खुश है हम बिल्कुल उन्होंने इस शहर को सामाजिक संस्थाएं बना बना कर इसमें योगदान देकर इसको बहुत कुछ मंदिर था पहले छोटा था अच्छा जिसको हमने डेवलप किया है वजह से हमने ये कर वही तेल और स्लैब जी लगानी है।